सब वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग ग्रेट। आप सब लोग बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे एंड मुझे भी ऑफकोर्स ये लुक लाना ही था। सो ये है अष्टमी स्पेशल मेकअप लुक, परफेक्ट डे टाइम लुक, लाइक अंजलि स्पेशल लुक। एंड साथ ही साथ मैं शेयर करने वाली हूँ फेस्टिव स्लैश बिगिनर्स मेकअप किट। मैं सब कुछ बताऊंगी जो आप खरीद सकते हो एंड वो सब ट्रस्ट मी सुपर डुपर अफोर्डेबल है एंड सुपर डुपर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। सो इफ यू वांट टू नो हाउ आई क्रिएटेड दिस ब्यूटीफुल गॉर्जियस ग्लैम लुक देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। एंड बिफोर स्टार्टिंग, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड यप, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द प्रोडक्ट्स आई एम गोइंग टू यूज टुडे आर सुपर डुपर अफोर्डेबल एंड ये सब प्रोडक्ट्स में भी आपको अगर कैशबैक मिले एक्स्ट्रा तो गैस, ये हो गया सोने पे सुहागे वाली बात, राइट। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू गाइज अबाउट एन ऐप कॉल्ड गो पैसा। वेल, इफ यू डोंट नो about it, let me explain. GoPaisa is an online coupon and cashback app जहाँ पे आपको मिलेगा 1500 plus websites like Ajio, Myntra, Flipkart and a lot more, जहाँ पे आप shopping करने वक्त extra cashback earn कर सकते हो। And guess what? ये पैसा आप अपने bank account में transfer भी करवा सकते हो। Isn't it exciting? So आपको बस simply जाके description box में दिया गया first link को click करके download करना है GoPaisa app. And अगर आप मेरे दिए गए link से download करते हो app को तो आपको मिलेगा 25 rupees इंस्टेंट एडिशनल कैश बैक। सो आपको डाउनलोड करना है ऐप को, आपको अपना नॉर्मली अकाउंट क्रिएट करना है, जैसे आप अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल के करते हो। उसके बाद सपोज आपको कुछ शॉप करना है फ्रॉम अमेज़न, आपको जाना है सर्च बटन पे एंड टाइप करना है अमेज़न एंड यू विल सी एक ऑप्शन ऑरेंज कलर का जहाँ पे लिखा होगा गेट कैश बैक, वहाँ पे क्लिक करना है एंड आप रीडायरेक्ट हो जाओगे अमेज़न के वेबसाइट पे। मेक श्योर कि आपका जो एक्चुअल कार्ट है, लाइक जो अमेज़न ऐप का जो कार्ट है ना, वो एम्प्टी होना चाहिए, तभी जाके आपको कैशबैक मिल सकता है, ओके। एंड जैसे आप नॉर्मली शॉप करते हो, आपकी फेवरेट प्रोडक्ट्स, फेवरेट ब्रांड्स आप शॉप कर सकते हो, ऑनलाइन सीओडी आप किसी भी तरह से पेमेंट अपना कर सकते हो। एंड ऑर्डर प्लेस होने के बाद आपको अपना कैशबैक जो है वो GoPaisa के अकाउंट में शो करेगा अर्निंग सेक्शन पे। ये मनी आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो इजिली जब ये कैशबैक अप्रूव हो जाएगा, यानी कि जब आपका जो प्रोडक्ट है वो आप तक पहुंच जाएगा। आप अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट कर सकते हो GoPaisa ऐप में एंड गेस व्हाट, यू कैन अर्न फ्लैट 10% रेफरल अर्निंग्स ऑन एवरी टाइम योर फ्रेंड अर्न्स कैशबैक ऑन GoPaisa। सो गो चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द लिंक, डाउनलोड GoPaisa, स्टार्ट शॉपिंग, स्टार्ट सेविंग। सो प्राइमरली मेरे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट वन इज दिस इनसाइड 3-in-1 प्राइमर, ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, इट इज़ वेरी गुड फॉर कॉम्बिनेशन ऑन ऑयली स्किन पीपल। नेक्स्ट आई हैव लैक्मे एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट प्राइमर, दिस इज अ वेरी हाइड्रेटिंग एंड येट अ वेरी गुड वन, लाइक परफेक्ट फॉर एवरी स्किन टाइप। फॉर द फाउंडेशन आई हैव टू ऑप्शन फॉर यू, वन इज मिस क्लेयर एवरीडे फाउंडेशन, अनदर वन इज मेबलिन मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन। मेबलिन का छोटा ट्यूब आता है फॉर 399, जो आप वो भी यूज कर सकते हो। सो ये दोनों का जो कवरेज है ना, मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर लगता है है एंड फिनिश इज ऑलमोस्ट सिमिलर, सो यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ देम। सो आई एम यूजिंग टुडे मिस क्लेयर एवरीडे फाउंडेशन, आई लव इट। बाय द वे जो स्पंज आई एम यूजिंग इट्स फ्रॉम पैक, आई बी लिंकिंग इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऑल्सो द शेड नेम्स। सो यू कैन सी दिस हैज ब्यूटिफुल डेमी मैट स्किन लाइक कवरेज, लाइक स्किन लाइक फिनिश एंड ऑल्सो वेरी हाई कवरेज। नेक्स्ट फॉर द कंसीलर आई हैव थ्री ऑप्शंस, वन इज स्विस ब्यूटी एच डी कंसीलर, सेकेंड वन स्विस ब्यूटी लिक्विड कंसीलर एंड थर्ड मिस क्लेयर फेक किट कंसीलर। ये तीनों का तीनों ही अफोर्डेबल है एंड बहुत ही गुड, लाइक वेरी गुड कवरेज वाला कंसीलर्स है, सो यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ देम। एंड आई एम यूजिंग मिस क्लेयर फेक इट कंसीलर एंड उसके साथ लिक्विड कंसीलर बाय स्विस ब्यूटी। ये दोनों का कवरेज ही लाइक ऑलमोस्ट हाई टू फुल कवरेज है एंड वन इज लाइट कंसिस्टेंसी एंड मिस क्लेयर वन इज थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी, बट दोनों को मिला के अगर आप अप्लाई करोगे तो इट्स जस्ट गना यू नो चेंज योर कंसीलर गेम। इट्स जस्ट अमेजिंग, इट गिव्स यू एन अमेजिंग कवरेज एंड ऑल्सो द फिनिश ऑफ इट इज़ रियली अमेजिंग। सो या दिस आर लाइक वेरी अफोर्डेबल एंड वेरी गुड ऑप्शन फॉर कंसीलर्स। नेक्स्ट फॉर द पाउडर, लूज पाउडर आई हैव स्विस ब्यूटी लूज फिनिशिंग पाउडर इन द शेड बनाना एंड इफ यू वांट टू यूज़ अ कॉम्पैक्ट जस्ट गो फॉर द नायका कॉम्पैक्ट, इट्स अमेजिंग, इट्स सुपर अफोर्डेबल एंड इट्स मैट, इट स्टेज फॉर अ रियली रियली लॉन्ग टाइम। आई एम यूजिंग द स्विस ब्यूटी लूज पाउडर टुडे एंड आई एम यूजिंग दैट सेम स्पंज टू जस्ट डैब द एरियाज वेयर मैंने जहाँ पे मैंने अप्लाई किया है कंसीलर। For the setting sprays, I have two options for you. One is Wet n Wild Natural Finish Setting Spray. Another one is Miss Clair DUV Finish or Matte Finish. दोनों का दोनों ही, like दोनों का ही variant आता है, matte और natural और DUV. तो आप कुछ भी select कर सकते हो अपने skin type के हिसाब से एंड ये दोनों ही काफ़ी अच्छा मतलब ऑप्शन है। फॉर द आईब्रोज आई हैव थ्री ऑप्शन, वन इज वेट एंड वाइल्ड, नेक्स्ट इज मार्स एंड द थर्ड वन इज ब्लू हेवन। ये तीनों ही मेरा फेवरेट है। यू कैन यूज, आई एम यूजिंग बाई द वे द मार्स वन आई गेस एंड
इट हैज़ वेरी नाइस थिक स्टिकी कंसिस्टेंसी लाइक परफेक्ट वैक्सी कंसिस्टेंसी. आई लव दिस. नेक्स्ट मैंने एक ऐसा पैलेट सिलेक्ट किया है जो कि आईज के लिए फेस के लिए काम आ जाए. सो आई एम यूजिंग मिस क्लेयर अल्ट्रा ग्लो आई शेडो पैलेट. दिस पैलेट हैज़ ऑल न्यूट्रल शेड्स. दिस पैलेट हैज़ मैट शेड्स एंड शिमरी शेड्स एज वेल एंड इट हैज़ अ वेरी गुड क्वालिटी मिरर एंड साथ में एक स्पंज टिप एप्लीकेटर भी मिलता है आपको. सो आई एम गोना यूज दिस एप्लीकेटर ओनली टुडे टू ब्लेंड माई आई शेडोज. सो आई एम टेकिंग दिस ट्रांजिशन शेड लाइक ऑरेंज शेड एंड मैं इसे अपने आउटर वी पे अप्लाई करूँगी एंड क्रीज पे अप्लाई करूँगी. यू कैन सी कैसे अप्लाई कर रही हूँ. इसे ब्लेंड करना आई नो इट्स डिफिकल्ट लाइक अ बिट डिफिकल्ट. आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा ब्लेंड करने में बट ये ब्लेंड आराम से हो जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट इट. अगर आपके पास आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश नहीं है एंड अगर आपके पास ओनली ऐसा वाला ब्रश है ऐसा वाला स्पंज टिप एप्लीकेटर है आप इसी तरह से अपना जो आई शेडो है उसे ब्लेंड कर सकते हो एंड येट बहुत ही खूबसूरत लुक आएगा आप देखोगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. एंड देन मैं बहुत ही लाइट प्रेशर डाल के ब्लेंड करूँगी जो शेड है. टेक योर टाइम. बहुत ही यू नो स्मॉल अमाउंट में लो एट अ टाइम एंड देन ब्लेंड करते रहो. नेक्स्ट टाइम टेकिंग दिस रोज गोल्ड शेड एंड मैं ना दूसरा टिप यूज़ करूँगी. आई मीन वो वाला टिप जो मैंने अप्लाई किया है ट्रांजिशन शेड वो वाला टिप मैं यूज़ नहीं करूँगी. सो मैं लेके एक सॉफ्ट कट क्रीज बना रही हूँ मेरी इनर कॉर्नर के से लेके 1/3 तक आईलिड के एंड यू कैन सी द शेड्स आर रियली प्रिटी एंड पिगमेंटेड एंड ऑलवेज यूज़ ना दो दो टिप्स फॉर डिफरेंट शेड्स. नेक्स्ट मैं ये डार्क ब्राउन शेड को लेके एक दूसरे टिप के हेल्प से दूसरे साइड के हेल्प से मैं अपने आउटर वी पे ओनली अप्लाई करूँगी लाइक आउटर एंड पे अप्लाई करूँगी एंड इसे ड्रैग करते हुए सेंटर तक लेके आऊँगी आई लिड के एंड मैं सेम एट द सेम टाइम मैं इसे ब्लेंड करूँगी सेम टिप के हेल्प से. नेक्स्ट मैं ये गोल्डन शेड को लूँगी एंड इसे लेके ओनली मैं सेंटर पे अप्लाई करूँगी आईलिड के. दिस गोल्डन शेड हैज़ वेरी स्मॉल ग्लिटर पार्टिकल जो कि बहुत ही खूबसूरत लगेगा इसलिए मैं अप्लाइंग दिस ओनली सेंटर पे एंड फिंगर के हेल्प से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ. लास्ट में मैं फर्स्ट ट्रांजिशन शेड को लेके फिर से एक बार सब कुछ ब्लेंड कर लूँगी. For the kajal, I have three options for you. One is NYB, the big apple of my eye. Next one is Lakme Iconic. And the third one is Nykaa Rock the Line Kajal. I'm using Nykaa Rock the Line Kajal. And मैं इसे बस मेरे lower lash line के outer corner पे apply करूँगी. Like outer side पे apply करूँगी. मैं पूरी eyes पे apply नहीं कर रही हूँ. And then I'm going to use the same first transition shade. उसे लेके मैं kajal को थोड़ा सा blend कर लूँगी. नेक्स्ट क्योंकि फेस्टिव सीजन है ग्लिटर आईलाइनर बनता है गाइस. सो मेरे पास तीन ऑप्शंस है आपके लिए. वन इज मिस क्लेयर पर्ल आईलाइनर. नेक्स्ट इज फ्रॉम मार्स एंड द थर्ड वन इज ऑफ कोर्स स्वीज ब्यूटी ग्लिटर लिक्विड ग्लिटर आई शेडोज. एंड आई एम यूजिंग टुडे मिस क्लेयर पर्ल आईलाइनर ग्लिटर आईलाइनर इन द शेड गोल्ड एंड मैं इसे लेके बस अपने सेंटर पे अप्लाई करूंगी एंड देन फिंगर के हेल्प से थोड़ा ब्लेंड कर लूंगी. एंड ये तीनों ही बहुत ही अच्छा है. आप किसी भी एक को सिलेक्ट कर सकते हो एंड ये बहुत अफोर्डेबल भी है. फॉर द आई लाइनर आई हैव थ्री ऑप्शन अगेन फॉर यू. फर्स्ट वन इज लैकमे आइकॉनिक. नेक्स्ट इज लैकमे इंस्टा लाइनर एंड थर्ड इज फेस कनाडा मैग्नेटाइज आई लाइनर. ये तीनों ही काफ़ी खूबसूरत काफ़ी यू नो ईजी पीजी वाला अप्लीकेशन वाला आई लाइनर्स है. वेल आई एम गोना यूज़ इन आई लाइनर्स टुडे जो सबको बस दिखा दिया मैंने. फॉर द आई लैश कर्लर आई हैव दिस ऑप्शन फॉर यू. दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल बाई अवेगा एंड ये बहुत तरह से काम भी करता है. सो यू कैन यूज़ दिस वन टू कर्ल योर लैशेज. एंड देन फॉर द मस्कारा ऑफकोर्स मेबलिन मस्काराज आर माई फेवरेट एंड गो टू. सो आई एम गोना यूज मेबलिन हाइपर कर्ल मस्कारा टूडे एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई 2-3 कोट्स ऑफ इट एंड यू कैन डेफिनेटली सी कि मस्कारा अप्लाई करने के बाद ये पूरा लुक जो है चेंज हो गया है. लास्ट आई हैव एले कलर्स ऑटो आई लाइनर. दिस इज अफोर्डेबल एंड येट अ वेरी गुड क्वालिटी वन. लाइक ये बहुत देर तक आइस पे लास्ट करता है. फॉर द फॉल्स लैशेज आई हैव थ्री ऑप्शंस. ये तीनों ही बहुत ही खूबसूरत है एंड इन्हें बिल्कुल भी प्लास्टिक ही नहीं लगता. फॉर द आई लैश ग्लू आग बंद करके आप पैक का ले लो. ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके ले लो बिकॉज यू नो आई लैश ग्लू उतना मन पर लगता भी नहीं है. सो जस्ट गो फॉर इट. एंड नाउ अगर आपको अलग अलग खरीदना है फेस के लिए ब्लश का कॉन्टोर एंड हाईलाइटर तो आप ये तीनों सिलेक्ट कर सकते हो. मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है ये तीनों का शेड्स एंड स्वॉचेस में एंड प्राइस रेंज में ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है अभी तक. बट आई एम गोना यूज़ द सेम पैलेट जो मैंने यूज़ किया है आइज के लिए मिस क्लेयर का एंड मैं इनमें से डार्क ब्राउन शेड को लेके लाइट ब्राउन शेड को लेके मैं अपने फेस को कॉन्ट्रोल करूँगी. वेल दिस इज एन ऑप्शनल स्टेप. इफ यू वॉन्ट टू कॉन्ट्रोल योर फेस यू कैन डू इट.
और यू कैन जस्ट कॉन्टोर योर नोज बिकॉज थोड़ा सा ना शार्प लगता है, अच्छा लगता है. सो यू कैन डू दैट एंड अप्लाई ब्लश एंड यू गुड टू गो. नेक्स्ट टाइम अप्लाइंग लूज पाउडर मेरे कॉन्टोर के नीचे थोड़ा सा यू नो शार्प इफेक्ट देने के लिए, बाद में मैं इसे डस्ट ऑफ कर लूँगी. नेक्स्ट मैं पैलेट में से ये ऑरेंज शेड लेके मैं अपने ब्लश अप्लाई करूँगी. एंड दिस पैलेट इज़ रियली अमेजिंग. बस थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करूँ, ये तो एक साथ अगर ज़्यादा अप्लाई करोगे ना तो ये पैची लग सकता है, दैट्स द ओनली प्रॉब्लम, अदरवाइज इट्स अमेजिंग. वेल बाय द वे मैंने एक ना पिम्पल पैच अप्लाई किया मेरे फेस पे, कहाँ पे अप्लाई किया अगर आपको पता चल रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना. नेक्स्ट देखेंगे दिस रोज गोल्ड शेड अगेन एंड मैं स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैं फेस को हाईलाइट कर लूँगी एंड यू कैन डेफिनेटली सी द शेड्स. आई मीन ओ माई गॉड इट्स लुकिंग ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल दैन एनी हाईलाइटर्स राइट. सो जस्ट हाईलाइट योर फेस जितना आपको चाहिए, जितना आपके मर्जी हो. एंड आई थिंक दिस वाइट शिमरी शेड मेरे इनर कॉर्नर पर अप्लाई करने के लिए. नेक्स्ट मैं स्पंज की हेल्प से अच्छा सब कुछ ब्लेंड कर लूँगी ताकि सब कुछ यू नो नाइस एंड ब्लेंडेड लगे. ना फॉर द लिपस्टिक्स बहुत सारा ऑप्शन है मार्केट पे यार, आप कोई भी सिलेक्ट कर लो जो आपका फेवरेट है. ये सब मेरा फेवरेट्स है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी. आई एम यूजिंग टुडे लैक्मे फॉरएवर मैट लिक्विड लिपस्टिक इन दी शेड आई फॉरगॉट, बट ये ब्यूटीफुल वार्म टोन रेड शेड है, परफेक्ट फॉर दिस लुक. सो आई एम गोना अप्लाई दिस एंड दिस इज माई फाइनल लुक. ये ज्वेलरीज बाय द वे मैंने ऑफलाइन परचेज की है, सो डोंट आस्क फॉर द लिंक्स. एंड जो ये मैंने वेयर किया है ब्लाउज कम टॉप, यस इट्स अ टॉप, आई वेयर इट एज अ ब्लाउज बिकॉज आई लव इट, द लव द डिज़ाइन ऑफ इट, लाइक पफी स्लीव्स एंड ऑल. सो या यू कैन वेयर एनीथिंग एंड दैट इज़ इट. एंड अगर आपको ये हेयर स्टाइल पसंद आ रहा है तो मैं इसे दिखा दूंगी यूट्यूब शॉर्ट्स पे, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाता अगर मैं इस वीडियो पे दिखाती तो. सो कमेंट करके जरूर बताना कि ये लुक एनी हेयर स्टाइल ऑल ओवर आउटफिट आपको कैसा लग रहा है. एंड आई विश यू ऑल गाइज अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दुर्गा पूजा.